हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा और खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूं। तो इसको बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रख लेने हैं, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से फंदे रख लेने हैं। मैंने यहां पर लगाए हैं 12 स्टिचेस, 12 फंदे मैंने डाले हैं। बहुत ही आसान सा पैटर्न है ये, 4 रो का सिर्फ डिजाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड से सीधी तरफ से पहली रो, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए पहला फंदा सीधा उतारा। अब देखिए जो आगे वाले 2 फंदे हैं उसमें देखिए, बीच में देखिए जो आपको होल दिख रहा है, ये वाला नहीं, इस फंदे के नीचे में से नहीं, सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में जो देखिए यहां पर होल दिख रहा है, वहां से हम सिलाई को यूं डालेंगे और यहां से एक फंदा निकालेंगे। तो ये फंदा हमने निकाल लिया। अब इसको देखिए यूं सीधा करके हमने इस लेफ्ट नीडल में डालना है, सीधा करके लेफ्ट नीडल में डाल लिया। अब ये फंदा और इसके साथ दूसरा फंदा है, इन दोनों को हमने स्लिप कर लेना है यूं। ये देखिए इस तरह से स्लिप कर लिया। अब यही हमने बार बार रिपीट करना है। 2 फंदों के बीच में देखिए जो होल दिख रहा है, वहां पर हम नीडल को डालेंगे, सिलाई को डालेंगे, वहां से फंदा निकालेंगे। इस तरह से निकाला, फिर इसको यूं सीधा करके हम लेफ्ट नीडल में डालेंगे, फिर ये फंदा और इसके साथ दूसरा, इन दोनों को स्लिप कर लेंगे राइट नीडल में। यही हमने पूरी रो में करते जाना है। देखिए 2 फंदों के बीच में जो होल बना हुआ है उसमें हम सिलाई को डालेंगे, यहां से फंदा निकाला, फिर इसको सीधा करके इस लेफ्ट नीडल में डालेंगे, फिर दोनों फंदों को हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए ये रो मैंने यहां पर पहली रो सीधी तरफ से कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 फंदे मेरे पास बचे हैं, इसमें देखिए होल नहीं दिख रहा है, तो लास्ट के 2 फंदे हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे। अब रो 2 में आ जाइए, रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से दूसरी रो। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा उतारा, दूसरा फंदा भी हम यहां पर उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए जो दो दो फंदे देखिए जो हमने एक नीचे से उठाया था और एक ये जो दूसरा फंदा था जो स्लिप किए हैं दो दो, उन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे सीधा, 2 का 1 1 करते जाएंगे हम पूरी रो में। ये देखिए 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, लेकिन ये हम सीधे यहां पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और ये पूरी रो में हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। ये लास्ट का एक फंदा हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है। तो अब आ जाइए रो 3 में, राइट साइड से तीसरी रो सीधी तरफ से। तो थर्ड रो हम सीधी तरफ से पूरी सीधी बनाएंगे इस तरह से, ये पूरे फंदे हम सीधे बनाएंगे, नीट करेंगे पूरे फंदों को। अब रो 4 में आ जाइए रॉन्ग साइड से। तो रो 4 रॉन्ग साइड से हम ये पूरी उल्टी बनाएंगे, पूरी रो हम ये उल्टी ही बनाएंगे, पर्ल करेंगे सारे फंदों को। तो देखिए 4 रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ये ओवर हो जाता है। इसमें आपको पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, देखिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए आप इसको जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हो, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हो, यही 4 रो आपने बार बार कंटिन्यू करते जाना है। तो आपका पैटर्न ये कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप आपको आज का डिजाइन मेरा पसंद आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल, उसको भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है, और अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।